हेलो एवरीवन, बात करते हैं आज हम लोग जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में। भारतीय इतिहास में ब्रिटेन द्वारा किया गया ये एक सबसे घिनौने कृत्यों में से एक था। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है। इस गिरफ्तारी के विरोध में 11 अप्रैल 1919 को वैसाख पूर्णिमा वाले दिन एक जनसभा आयोजित की जाती है। ये जनसभा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा होता है, तभी वहां जनरल डायर पहुंचता है। जनरल डायर मैदान से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों को बंद करवा दिया जाता है तथा निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है। इन जनसभा में बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थे तथा बाहर निकलने के दरवाजे बंद होने के कारण उस मैदान में स्थित कुएं के लगभग बहुत सारे लोग उस कुएं में जा गिरे जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई। अगर ऑफिशियल डेटा की बात करें तो 300+ लोगों की मृत्यु हुई। इस कार्य के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा जनरल डायर को वहां सम्मानित किया गया। तो आपको क्या लगता है, क्या ब्रिटेन सरकार को भारत सरकार से माफी मांगना चाहिए? अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।